हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही नई मेरी इवेंट के टॉपिक डेवलपर ऑप्शन किस प्रकार से यूज़ करते हैं बताऊंगी फ्रेंड्स। मेरे पास है और वीवो का फोन है और फ्रेंड्स डेवलपर ऑप्शन को कैसे सेट करेंगे बताऊंगी। उसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको लास्ट में दिखता सिस्टम का ऑप्शन एंड इस पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद आपको लास्ट में दिखता रीसेट ऑप्शन एंड इस पर क्लिक कर सॉरी फ्रेंड्स डेवलपर ऑप्शन दिख जाता है आपको एंड इस प्रकार से ऑफ है तो आप यहाँ से काम नहीं कर पाएंगे। अगर ऑन है तो अब ओके का ऑप्शन एंड ओके पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपका डेवलपर ऑप्शन जो है ऑन हो जाता है तो अब यहाँ से आप काम कर सकते जो भी आप करना चाहेंगे। अगर आपको ऑन में बैक करते हैं तो आपको यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन दिख रहा है। अगर मैं इसे ऑफ करके बैक करती हूँ तो यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन जो था वो जा चुका है। तो अब इन्हें वापस सेट करने के लिए अबाउट सेटिंग के अबाउट वन पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको बिल्ड नंबर पे दो तीन बार इस तरीके से क्लिक करते रहना है। जो भी स्क्रीन और लॉक लगा रखे उसे ड्रॉ करने के बाद उसको बैक कर देंगे और उसके बाद फिर बैक करेंगे। फिर आप सिस्टम का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं फिर से आप रीसेट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो सॉरी फ्रेंड्स फिर से आपको यहाँ दिख जाते हैं डेवलपर ऑप्शन तो देख सकते हैं। एंड फिर से मैं ऑफ करके फिर बैक करती तो फिर से डेवलपर ऑप्शन जा चुका देख सकते हैं। एंड इसी तरीके से आप अपने फोन में डेवलपर ऑप्शन को सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स तब तक के नमस्कार।